हाय फ्रेंड, आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। आइए बताते हैं मैं अपने अंदाज में शाही पनीर कैसे बनाती हूँ अपने तरीके से। फिर फटाफट देखते हैं शाही पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 500 ग्राम पनीर ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने कैच के शाही पनीर मसाले और पनीर मसाले दोनों को मिक्स करके लिया है, 2-2 चम्मच। मैंने 3 छोटे टमाटर लिए हैं और 3 बड़े प्याज काट लिए हैं। 1 कप मैंने दही ली है, अदरक लहसुन लिया है और मसालों में मैंने जीरा, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी लिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहो तो घी या बटर में बनाओ, मुझे घी बटर नहीं पसंद है इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। कसूरी मेथी एवरेस्ट का मैंने लिया है। अब चलिए फटाफट शाही पनीर हम बनाते हैं बिना कोई देर किए हुए। तेल गरम हो चुका है लगभग, अब इसमें सारे खड़े मसाले डाल दूंगी, हल्का ब्राउन करूंगी और कटे हुए प्याज भी मैं अब डाल दूंगी, हल्का ब्राउन कर लूंगी इसको अच्छे से मिक्स करके। अब लहसुन की कलियां और अदरक के टुकड़े भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगी। यहाँ मेरे सारे मसाले और प्याज लगभग ब्राउन हो चुके हैं। अब कटे हुए टमाटर डालूंगी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। थोड़े काजू और बादाम भी लिए हैं, इसे भी डालेंगे। शुरू में मैंने आपको नहीं बताया था, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहो तो डालो या तो ना डालो। इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब अपने मसाले डालेंगे। मसालों में अभी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हम नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, जिससे टमाटर हमारे जल्दी पक जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद टमाटर हमारे जल्दी पकने लगेंगे। अब अपना शाही मसाला भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से ये मिक्स हो चुका है। लास्ट में हम 1 कप दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही काफी पानी छोड़ता है इसलिए हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब चेक करते हैं, मसाले लगभग हमारे पक चुके हैं पूरी तरह से। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको पीस कर हमें पेस्ट तैयार करना है। मसाला मेरा पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाया है क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। मैंने इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, पूरी तरह से पिस गया है और मुझको ऐसा ही पेस्ट चाहिए। हम फिर से इसी कढ़ाई का यूज करेंगे, कोई भी बटर या ऑयल नहीं डालेंगे। सारे मसाले अब इसमें डाल देंगे पूरी तरह से निकाल के, हल्का पानी डाल के भी आप पूरी तरह से निकाल सकते हो ना निकले तो। देखिए मैं सारे मसाले कैसे निकाल रही हूँ, बड़ी मेहनत लग रही है। मैंने सारे मसाले अब निकाल लिए हैं, हल्का पानी डाल के निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा मिक्स करूंगी, 1 कप पानी डाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। में यहाँ हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि दही थोड़ी खट्टी रहती है इसलिए। यहाँ मैं खाने वाले कलर का थोड़ा यूज करूंगी,
आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो कलर लाने के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा मैं कलर डालूंगी, थोड़ा सा, और इसको डाल के मिक्स कर लूंगी। इससे थोड़ा कलर आ जाता है, सब्जी देखने में थोड़ी अच्छी लगने लगती है, इसलिए मैं इसका यूज करती हूँ। खाने वाला कलर मैंने अशोक कंपनी का लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। पूरी अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। दोस्तों अब मैं अपनी ग्रेवी में पनीर डालूंगी। सारी पनीर मैं ग्रेवी में डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। पूरी तरह से मिक्स हो जाए पनीर ग्रेवी में। कसूरी मेथी को डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे कि पूरी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब इसको ढककर हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मेरी शाही पनीर बनके अब तैयार है पूरी तरह से। देखिए लास्ट में मैं 1 चम्मच बटर डालूंगी। ये शाही पनीर मेरी तरीके से बनी है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ दोस्तों।